झज्जर के गांव ढाकला में जिला प्रशासन द्वारा आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़। एल जन संवाद कार्यक्रम में पहुंचने पर भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ का प्रशासन के अधिकारियों व ग्रामीणों की तरफ से जोरदार स्वागत किया गया। एल इस मौके पर जिले के तमाम भाजपा कार्यकर्ता व जिला प्रशासन के अधिकारी भी मौजूद रहे। एल ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जन संवाद कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है कि केंद्र सरकार और हरियाणा सरकार की लाभकारी योजनाएं आमजन तक पहुंचे और आमजन उन योजनाओं का लाभ उठाएं, और अगर कोई व्यक्ति सरकार की लाभकारी योजनाओं से वंचित रह गया है तो संकल्प यात्रा के माध्यम से उसे भी सरकार की लाभकारी योजनाओं के साथ जोड़ा जा सके, जिसको लेकर जिले भर में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली जा रही है। एल केंद्र सरकार के जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने के फैसले के विरोध में कई राजनीतिक दल सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे थे। जम्मू कश्मीर में धारा 370 फिर से लागू की जाए, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला देते हुए केंद्र सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए मोहर लगाई है। कोर्ट के इस फैसले का पूरा देश सम्मान कर रहा है और मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, और कांग्रेस के साथ जो अन्य दल धारा 370 हटाने का विरोध कर रहे थे उनके मुंह पर आज सुप्रीम कोर्ट ने करारा तमाचा मारा है और देश के लोगों में खुशी की लहर है। जम्मू कश्मीर की एकता और अखंडता मजबूत होगी और वहां के लोगों का विकास होगा। एल पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के तीन राज्यों में भाजपा की जीत का हरियाणा में कोई फर्क नहीं पड़ने वाले है, और हरियाणा के लगते राजस्थान के जिलों में कांग्रेस की जीत हुई है। इस सवाल पर बोले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, कहा तीन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को शानदार जीत मिली है और किसी ना किसी आशावाद के सहारे लोग बैठे रहते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने घर में बैठकर कोई ना कोई आंकड़े बताने की कोशिश की है। भाजपा को शानदार जीत मिली है, कांग्रेस की बुरी तरीके से हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी फिर से केंद्र में आ रही है और तीसरी बार हरियाणा में भी सरकार बनाएगी और कांग्रेस पार्टी का हर जगह से सुपड़ा साफ होता जा रहा है। एलजेजेपी पार्टी के नेता दिग्विजय चौटाला ने पिछले दिनों कहा था कि लोग आने वाले चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखना चाहते हैं और हरियाणा में मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को देखना चाहते हैं। दिग्विजय चौटाला के इस बयान पर चुटकी लेते हुए बोले भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़, कहा किसी भी पार्टी को सपने देखने से कोई रोक नहीं सकता, और आपको मालूम है जेजेपी की ताकत, और अभी राजस्थान में भी जेजेपी ने अपनी ताकत अजमाई थी और हरियाणा में भी आने वाले समय में जब वह मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से हर दल को उनकी स्थिति क्या है और समर्थ क्या है उसके आधार पर तय होता है कि मुख्यमंत्री कौन होगा और कौन शासन में रहेगा, और निश्चित रूप से हर दल को अपनी बात कहने का हक है, और हमारा जेजेपी के साथ सरकार चलाने का गठबंधन है। और कई बार लोग सवाल करते हैं कि चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं, वो निर्णय उसे समय पर होगा तब बताएंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की दिली इच्छा है कि गांव के लोगों को जो सुविधाएं केंद्र सरकार ने राज्य सरकार ने दी है वो सबको मिले। कुछ लोग होते हैं जो दफ्तरों में जाके अग्रणी होके सेवाओं का लाभ ले लेते हैं, लेकिन एक बड़ा तबका ऐसा रह जाता है जो दफ्तरों में उस प्रकार से सेवाओं का लाभ नहीं ले पाता। तो सारी सेवाओं का लाभ गाँव में जाके उनके दरवाजे पर दिया जाए, और इसी की संकल्पना जो है प्रधानमंत्री जी की है, और वो इसको खुद मॉनिटर कर रहे हैं। मैं कहूंगा कि तीन बार वो अब से पहले इसमें जुड़ चुके हैं, अभी चौथी बार फिर जुड़ने वाले हैं, और हर एक यात्रा का खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये एक ऐसा बड़ा प्रयास है जिसके माध्यम से जितनी भी सुविधाएं हैं, चाहे आयुष्मान कार्ड की है, चाहे उज्ज्वला योजना की है, चाहे जनधन के खातों की है, चाहे हर घर में नल से जल की है,
तो ऐसी सारी चीज़ें लोगों को पहुँचे। इसके साथ साथ वो युवा पीढ़ी को भी इसमें जोड़ रहे हैं कि जो अमृतकाल है भारत का 2047 तक, युवा पीढ़ी जो है विकास के एम्बेसडर बने, विकसित भारत के एम्बेसडर बने। माई भारत करके एक योजना केंद्र सरकार ने चलाई है, जैसे अपन ने हरियाणा में गर्वी चलाई थी, उसी तरह से मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगा कि मेरा युवा भारत वो उससे जुड़े और वो एम्बेसडर बने विकसित भारत का, उसका संकल्प ले, कुछ ना कुछ काम अपने जीवन काल में उस प्रकार का करें। तो ये बहुत ही मैं कहूँगा कि दोनों पीढ़ियों के लिए, जो आज वर्तमान पीढ़ी है उनके लिए भी यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है और नई पीढ़ी को भी संकल्पबद्ध करने के लिए ये यात्रा बहुत महत्वपूर्ण है। आज मेरे गांव ढाकला में थी तो मैं बधाई देता हूं प्रशासन के सभी साथियों को और पंचायत को भी, गाँव वासियों को भी, कि जिन्होंने यहां पूरा उसका लाभ लिया है। कुछ लोगों की पेंशन भी बनी है, गैस भी वितरित की गई है और बाकी सुविधाएँ भी दी गई। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है, सर्वोच्च लगी हुई थी कि आर्टिकल 370 जो केंद्र ने हटाया था जम्मू कश्मीर से, उसको फिर से बहाल किया जाए, लेकिन आज उनके मुंह पर करारा तमाचा है। उन्होंने कई तरह के मुद्दे उठाए थे, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि आर्टिकल 370 हटाना केंद्र सरकार द्वारा बिल्कुल जायज़ है, एक देश में दो प्रधान, दो निशान, दो विधान ये नहीं चलना चाहिए और उसी के लिए कदम उठाए गए थे कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख विकसित हो। और आज सर्वोच्च न्यायालय ने भी सरकार के, संसद के उस निर्णय पर मोहर लगा दी है। सभी देशभक्तों में खुशी की लहर है कि अब देश के साथ जहां जम्मू कश्मीर लद्दाख की एकता और अखंडता मजबूत होगी, वहां के लोगों का विकास होगा। तीन राज्यों के चुनाव के नतीजे आए हैं, तीन राज्यों के जो नतीजे आए हैं भाजपा के पक्ष में आए हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं राजस्थान के लगते हुए जो जिले हैं उनमें कांग्रेस पार्टी जीती है, 34 सीटें थी जिसमें से 5 भाजपा जीती है और 29 पे कांग्रेस। हरियाणा में कोई ऐसा है ना कि इतनी शानदार मेजोरिटी तीन ही राज्यों में आई है, किसी न किसी आशावाद के सहारे तो लोग बैठे रहते हैं, तो कोई ना कोई उन्होंने कोई आंकड़े अपने घर में बैठ के उस प्रकार के जो है वो बताने की कोशिश की है। शानदार मेजोरिटी है, कांग्रेस की बुरी तरह से हार हुई है और भारतीय जनता पार्टी लोकसभा में भी फिर से आ रही है और राज्य में भी तीसरी बार सरकार बनाएगी। कांग्रेस का सब जगह सुपड़ा साफ होता जा रहा है। बीजेपी के नेता है दिग्विजय चौटाला, वो कह रहे हैं कि ऊपर तो लोग प्रधानमंत्री को देखना चाहते हैं नरेंद्र मोदी को, नीचे दुष्यंत चौटाला को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। देखिए, किसी भी पार्टी को अपने सपने देखने से तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन आपको मालूम है जेजेपी की ताकत, अभी राजस्थान में भी उन्होंने अपनी ताकत अजमाई थी और हरियाणा में भी जो है वो आने वाले समय में जब मैदान में आएंगे तो निश्चित रूप से हर दल को अपनी जो उनकी स्थिति क्या है, सामर्थ्य क्या है, उसके आधार पर तय होता है कि कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन शासन में रहेंगे। तो निश्चित रूप से हर दल को अपनी बात कहने का हक है। हमारा और जेजेपी का गठबंधन जो है वो सरकार चलाने का है और आगे के बारे में भी कई बार लोग सवाल करते हैं कि भाई चुनाव में साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो निर्णय जब उस समय पर होगा तब बताएंगे।